कि पौधों को भोजन जरूरी होता है ये, और हम सब लोग क्या करते हैं, पौधों से भोजन को लेते हैं, यानी हम लोग अपना भोजन पकाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। पौधे अपना जब भोजन बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो कैसे बनाते हैं पौधे अपना भोजन, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या लेते हैं, पानी को। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलती है, पानी हम पौधों को जड़ों में देते हैं, और पौधों की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और वातावरण से वो क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब उनका भोजन, ठीक है। और क्या निकलती है, ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 CO2, 6 कार्बन के परमाणु और 12 है बनते हैं पानी के, और फिर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पत्तियों से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन निकलती है और ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पौधे किस भोजन का निर्माण करते हैं, कौन सी अभिक्रिया से,